नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूँ सिद्रा। आज हम बनाना सीखेंगे मज़ेदार पालक पनीर। इसको बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं पालक आधा किलो, एक अदद बड़ा प्याज, दो अदद टमाटर, चार अदद हरी मिर्ची, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 6 खाने के चम्मच, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चम्मच, बारीक कटा अदरक 1 खाने का चम्मच, पनीर 150 ग्राम, क्रीम 4 खाने के चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत, ऑयल 125 ग्राम, बटर 2 खाने के चम्मच। तरकीब। सबसे पहले पालक को अच्छी तरह धोकर रख लें। अब एक बर्तन में 4 कप पानी लेके इसे अच्छी तरह गर्म कर लें। गर्म पानी में पालक को डालकर 5 मिनट तक छोड़ दें। 5 मिनट के बाद गर्म पानी से पालक निकालकर इसे अच्छी तरह ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब एक पतीली लें और इसमें ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म कर लें। गर्म ऑयल में जीरे को शामिल करें और 30 सेकंड तक फ्राई कर लें। फिर इसमें प्याज को डालकर अच्छी तरह पिंक कर लें। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, गरम मसाला, कुटी मिर्ची, नमक, लहसुन और अदरक डालकर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें कि ऑयल ऊपर आ जाए। अब तैयार शुदा मेजे को अच्छी तरह पालक के साथ ग्राइंड कर लें। अब एक पैन में 2 चम्मच बटर डालकर इसे अच्छी तरह गर्म कर लें। गर्म बटर में पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लें और फ्राई पनीर को टिश्यू पेपर या कागज पर निकाल लें और ठंडा कर लें। अब इसी बर्तन में ग्राइंडेड अमेजे को डालकर इतना पका लें कि पालक अच्छी तरह भुन जाए। अब भुने हुए पालक में पनीर, बीटेड क्रीम और धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और इसे 5 से 7 मिनट तक दम दे दें। मज़ेदार पालक पनीर तैयार है। इसे रोटी या नान के साथ सर्व करें और लुत्फ उठाएं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।